Hello and welcome back to the channel. This is Abhinav. So in this video, I will discuss my complete roadmap to 5-star on CodeSafe. So I will discuss that how I prepared. Okay, what was my roadmap? Kis tarah se maine step by step means kis star, kis level pe maine kya cheeze prepare kiya and which helped me to reach 5-star. I will discuss each and everything in this particular video. Okay. So I will start from the very start of my competitive programming journey. So basically when I was in my first semester, in my first year, so that time I participated in my first ever CodeSafe contest. So it was a contest organized by my college. It was a contest by SB2 chapter of CodeSafe chapter of my college, which is SBTU. So it was organized by my seniors, and that was a contest which got my interest into competitive programming. And I thought, "Haan, bhai, ye kuch cheez hai jo mujhe lag raha hai ki haan main kar sakta hoon." Because the first year was a time that आपको लगता है कि क्या चीजें आपको explore करनी, क्या चीजें को आपको continue करना होगा आगे जाके अपने जो भी 4 साल का होने वाला है B.Tech या engineering. So that was a time मुझे लगा कि हाँ भाई ये एक चीज है CP जो मैं कर सकता हूँ, जिसमें मुझे अपना interest दिखा. और before that मैंने coding की थी, I code in Java. मैंने 10th में 12th में जावा पढ़ी थी बिकॉज वो स्कूल के एक कोर्स में थी. बट मैंने कम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग नहीं ट्राई की थी. एंड व्हेन आई वाज जब मुझे इंट्रोड्यूस किया गया इससे, सो आई वाज रियली एक्साइटेड कि हाँ भाई ये अच्छी चीज़ है. सो आई स्टार्टेड द कम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग बेसिकली इन माई फर्स्ट सेमेस्टर. सो तब मैंने CodeSafe से स्टार्ट किया था और मैंने CodeSafe के कॉन्टेस्ट देना शुरू किया. इन स्टार्ट बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज आती हैं. द मेन डिफ़िकल्टीज कि आपको एरर्स इतने आते हैं बिकॉज जब आप एक सिंपल प्रोग्राम को रन कर रहे होते हैं किसी ट्यूटोरियल को देख के या किसी एडिटोरियल में देख के, तो वो काफ़ी सिंपल होता है. आप किसी और के प्रोग्राम को, किसी और के लॉजिक को बिल्ड या कोड कर रहे होते हैं. बट जब आपको खुद का प्रोग्राम लिखना होता है ड्यूरिंग अ कॉन्टेस्ट और ड्यूरिंग व्हाइल यू आर प्रैक्टिसिंग द प्रॉब्लम्स, दैट टाइम यू एनकाउंटर्ड वेरियस टाइप ऑफ एरर्स और बहुत सी दिक्कतें आती हैं. सो द सेम हैपन टू मी ऑल्सो. मीन्स एट स्टार्ट आई वॉज जस्ट 2-star बिकॉज तब 2-star से स्टार्ट होता था CodeSafe का. सो मैं 2-star था एंड देन बहुत मैंने थोड़ा प्रैक्टिस करना शुरू किया, पार्टिसिपेट करना शुरू किया कॉन्टेस्ट में. एंड दैट टाइम बहुत सी दिक्कतें आई. फॉर एग्जाम्पल एरर्स आते थे, कुछ ऐसे एरर्स थे जिसका सॉल्यूशन मुझे 2-3 दिन तक नहीं मिला. मुझे लगता था ये क्या है भाई, अब मुझे लगता था कि मतलब अब मुझे क्विट करना है, अब नहीं करने आगे, ऐसा कुछ नहीं करना है. बट सीनियर्स काफ़ी हेल्पफुल हैं और मतलब ऑब्वियसली आपको ऑनलाइन बहुत सारा मटेरियल अवेलेबल है. और अब तो और हो गया, 2 साल हो गया तब से अभी तक, सो अब तो और ज़्यादा मटेरियल मैंने देखा मेरे सामने कितना सारा यूट्यूब पे अवेलेबल है, चीज़ें अवेलेबल हैं. सो फिर धीरे धीरे आपको वहाँ से ये एक फेज़ होगा. मे बी आप लोग भी, कुछ लोग इस फेज़ में जिन्होंने अब जस्ट अभी स्टार्ट किया हो और ये कुछ प्रॉब्लम्स आपको दिख रही हूँ वहाँ पर. आफ्टर दैट जब मैं 2-star था, फिर मैंने नॉर्मल प्रैक्टिसिंग शुरू किया, CodeSafe में कॉन्टेस्ट देना शुरू किया. आफ्टर दैट आई रीच 3-star. सो 3-star जब मैं रीच हुआ, मुझे अभी भी याद है, दैट वॉज अ लंच टाइम कॉन्टेस्ट इन CodeSafe वेयर आई परफॉर्म वेरी वेल. आई बेसिकली सॉल्व ऑल द क्वेश्चन ऑफ द लंच टाइम एंड देन आई रीच 3-star ऑन CodeSafe. सो तब काफ़ी एक्साइटेड हो गए थे एंड इट वॉज लाइक या नाउ आई बिकेम 3-star, नाउ आई एम द अ वेरी कूल कोडर लाइक दैट थिंग. वो होता है ना कि भाई पहली बार जब आप एक अच्छे लेवल पर पहुँचते हैं, दैट एट दैट टाइम आई वॉज फर्स्ट इन माई बैच जो 3-star पहुँचा था CodeSafe पे. सो आई वॉज रियली एक्साइटेड अबाउट दैट. बट बाद में चीज़ें उतनी अच्छी नहीं हुई, देवर अप एंड डाउन बिकॉज टिल 3-star मैंने कोई इतना खास प्रैक्टिस नहीं किया था. आई जस्ट स्टार्टेड हैकर रैंक, मैंने हैकर रैंक तो थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करके करा था और हैकर रैंक में मैंने C++ के क्वेश्चन लगाए हुए थे, जिससे मेरे बेसिक तो क्लियर हो गया था. बट जो एग्जैक्ट जो CP प्रॉब्लम्स, मैथ्स प्रॉब्लम्स होती हैं, ऑब्जर्वेशन बेस्ड प्रॉब्लम होती हैं, वो बेसिकली प्रैक्टिस से ही आती है. मेरी प्रैक्टिस नहीं थी इतनी, जिसकी वजह से मैं 3-star पर ही रहा. फिर थोड़ा सा ब्रेक हुआ, आप लोग मेरी प्रोफाइल देख सकते हैं, अभी लिख कब मैंने कौन सा कॉन्टेस्ट दिया सब कुछ वहाँ मेंशन है. तो उसका थोड़ा सा ब्रेक हुआ और कॉलेज ऑनलाइन था तो थोड़ा सा सीरियस कम थे उसमें कोडिंग की तरफ.
After that, when I again started competitive programming, फिर मैंने contest देना शुरू किया, फिर से long challenges दिए, और फिर that time when I reached 4-star, उस समय तक मैंने basic codes जो C++ की libraries होती हैं, ऐसे STL और STL के साथ साथ जो basic functions होते हैं, recursion कह सकते हो, जो topics होते हैं, बहुत advanced topic नहीं कि मैंने DP पढ़ी हो या trees graph पढ़ा हो, backtracking पढ़ी हो, recursion, बहुत ही मतलब basic topics करे पढ़े थे मैंने उस समय पर, जैसे STL हो गया, libraries हो गई और array vector, map, ये सब चीज़ें मतलब normal मैंने questions लगा रखे थे. आफ्टर 4-star द टाइम वॉज कि मेरा एक तरीके से एक कॉन्स्टेंट रहा, कुछ बहुत ज़्यादा इम्प्रूव नहीं हुआ. द रीज़न वॉज आई वॉज नॉट प्रैक्टिसिंग. जितना नॉलेज था मेरे पास, मैं ना तो कुछ नया सीख रहा था, मैं वही उतने ही नॉलेज में मैं कॉन्टेस्ट देता था और वो कॉन्स्टेंट रैंक में ही रहती थी, बस थोड़ा बहुत अप एंड डाउन रहता था. सो मुझे लगा कि हाँ, अब मुझे कुछ नया ट्राई करना चाहिए. सो दैट टाइम आई वॉज ऑल्सो न्यूबी एट कोड फोर्सेज, बिकॉज 4-star एट कोड सेफ एंड इज नॉट अ वेरी बिग थिंग, बिकॉज आप न्यू भी होते हैं कोड फोर्सेज उस समय पर भी. फाइन, सो मैं उस समय न्यू भी था कोड फोर्सेज पे भी. सो मैंने कोड फोर्सेज बेसिकली स्टार्ट किया. कोड फोर्सेज स्टार्ट करने के बाद में इतना जल्दी नहीं होता है सब सही, ठीक है. स्टार्टिंग में सेम वही एक भी क्वेश्चन नहीं होते, आई स्टार्टेड सॉल्विंग प्रॉब्लम ए, देन धीरे धीरे मुझे प्रॉब्लम सी मैंने स्टार्ट किया सॉल्व करना. सो फिर उस सेम टाइम मैंने यूट्यूब भी स्टार्ट किया था. जो लोग मुझे जानते हैं स्टार्टिंग से, मैंने न्यू भी था जब मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया था. एंड सो फिर मैंने धीरे धीरे जैसे जैसे मैं कोड फोर्सेज से प्रैक्टिस करता रहा, कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करता रहा, वैसे वैसे करते करते वहाँ पर मेरा इम्प्रूव हुआ और उस वजह से मेरा कोड सेफ में भी इम्प्रूव हुआ. सो इस तरीके से मेरा यहाँ तक अभी क्या था कि मैं कोड फोर्सेज में मैं प्यूपिल था और कोड सेफ पे मैं 4-star था. अगेन द सेम थिंग दैट जो ग्राफ था वो बढ़ नहीं रहा था, कॉन्स्टेंट ग्राफ था, बिल्कुल भी इम्प्रूवमेंट नहीं दिख रहा था. 2 या 3 महीने हो गए थे कोड फोर्सेज करते हुए भी, बट कोई इम्प्रूवमेंट नहीं दिख रहा था. ओके, सो दिस वॉज अ थिंग. और एक फिर एक टाइम ऐसा भी आता है जब आपके दोस्त बहुत अच्छा कर रहे होते हैं और फिर आप सोचते हैं कि आपको भी कुछ करना है, या फिर इंटर्नशिप सीजन आता है, आपको लगता है कि अब मेरी इंटर्न लगनी चाहिए. इंटर्नशिप और प्लेसमेंट सीजन चल रहा है और आजकल बहुत टफ होता है किसी एक अच्छी कंपनी में जॉब पाना, और अब तो बहुत ज़्यादा पापड़ भी बेलने पड़ते हैं. असाइनमेंट्स, इंटरव्यू कॉल का नेवर एंडिंग लूप, और इन सब के बाद भी क्या मिलता है? वी विल गेट बैक टू यू सून का मैसेज. सो क्या अच्छी जॉब मिल सकती है? क्या इन सब परेशानियों का सॉल्यूशन मिलेगा? हाँ, मिलेगा ना, हाईरेक्ट पे, बिकॉज हाईरेक्ट है तो डायरेक्ट है. हाईरेक्ट पे जाके टीम लीडर्स और एचआर मैनेजर से डायरेक्ट चैट करो और हायर हो जाओ. और ये सब कुछ है बिना किसी कंसल्टेंट के. हायरेक्ट पे मोर देन 120K कंपनीज हायर कर रही हैं. अब तुम लोग पूछोगे भाई इतना सिंपल थोड़ी ना होगा ये सब करना. भाई बहुत ही सिंपल है, बिल्कुल चुटकियों का खेल है. सबसे पहले आपको गूगल प्ले स्टोर से हायरेक्ट ऐप इंस्टॉल करना है. इंस्टॉल करने के बाद में आपको सिलेक्ट करना है कि आप जॉब सीकर हैं या जॉब रिक्रूटर. उसके बाद आप मोबाइल नंबर की हेल्प से लॉगिन कर सकते हैं. चिंता ना करो, ये जो कुछ भी है आपकी बिना परमिशन की आपकी कोई भी डिटेल आपका मोबाइल नंबर रिज्यूमे किसी के साथ भी शेयर नहीं किया जाएगा. इसके बाद आपको आपकी जॉब, आपको कैसी जॉब चाहिए, फुल टाइम या पार्ट टाइम, क्या एक्सपेक्टेड सैलरी होगी, क्या सिटीज होंगी, आपको ये डिटेल्स ऐड करनी पड़ेंगी. अब बारी आती है प्रोफाइल सेक्शन और रिज्यूमे की. अब आपको अपने कुछ पर्सनल डिटेल्स, आपकी क्वालिफिकेशंस, स्कूल, कॉलेज, ये चीज़ें आपको ऐड करनी पड़ेगी. और अब एक लास्ट और बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप, आपको अपना एक बहुत ही सिंपल और क्रिस्प बायो लिखना होगा जिसमें आपका क्या अप्रोच है वो क्लियरली दिखाई पड़े. फाइन, उसके बाद आपका हायरेट का ऐप का एल्गोरिथम आपको हेल्प करेगा आपके रिलेटेड रिक्रूटर से मैच करने का. उसके बाद आप किसी भी जॉब को सिलेक्ट कर सकते हैं और डायरेक्ट अपने रिक्रूटर से चैट पे बात कर सकते हैं और इंटरव्यू भी फिक्स कर सकते हैं. है ना आसान? सो अभी जाओ नीचे दिए हुए लिंक की हेल्प से हायरेट ऐप को इंस्टॉल करो और हायरेट पे डायरेक्ट जॉब पाओ. तो वापस वीडियो पे आते हैं. सो अभी मैं एट दिस टाइम मैं 4-star था और मैं कोड फोर्सेज में प्यूपिल था और ग्रोथ नहीं हो रही थी. दैट टाइम मैंने थोड़ा सा अपने खुद को एनालाइज करने का, किस तरीके से कहाँ पर लैक हो रही चीज़ें उसको देखने का ट्राई किया.
लाइक मैंने मेरे जो वीक टॉपिक्स थे मैंने उन पे और प्रैक्टिस शुरू की. आई यूज लीड कोड एंड GFG, उस पर मैंने प्रैक्टिस करना शुरू किया और जो मेरे वीक टॉपिक्स थे उस पर मैंने वर्क किया. साथ साथ मैंने जो रेगुलर कॉन्टेस्ट देता था उसने मुझे बहुत हेल्प की मेरी प्रैक्टिसिंग में. और एक तरीके से अगर आप रेगुलर कॉन्टेस्ट दे रहे हैं सो वो आपको बहुत हेल्प करता है. एट द लास्ट जब आप और भी एक्सपीरियंस हो जाते हैं कॉन्टेस्ट गिविंग में, उस प्रेशर हैंडलिंग में, सो रेगुलर कॉन्टेस्ट और रेगुलर प्रैक्टिस ये बहुत ही ज़रूरी है. बेसिकली आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा अगर आप एक अच्छे एम को अचीव करना चाहते हैं. आफ्टर दैट मैंने जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे, बाइनरी सर्च, रिकर्जन, ग्राफ्स, DP, काफ़ी हद तक नॉट एडवांस DP, बेसिक DP मैंने पढ़ी. और उसके बाद मेरे ये टॉपिक्स काफ़ी हद तक अच्छे हो गए थे, क्लियर हो गए थे. उसके बाद मैंने फिर से रेगुलर रखा कॉन्टेस्ट में पार्ट लेना. एंड आफ्टर दैट आई रीच स्पेशलिस्ट. स्पेशलिस्ट पहुंचने के बाद मैं कोडसेफ पे भी अपने आप, बिकॉज अगर मेरा कोड फोर्सेस इंप्रूव हो रहा है सो एंड कोडसेफ ऑल्सो मैंने कॉन्टेस्ट दिया, रेगुलर पार्टिसिपेट किया एंड आई रीच 5 स्टार ऑन कोडसेफ 2. ओके एंड करेंटली आई एम 5 स्टार ऑन कोडसेफ एंड एक्सपर्ट ऑन कोड फोर्सेस. सो दिस वॉज माई कंप्लीट रोड मैप टिल 5 स्टार. ओके सो मैंने एक PDF भी शेयर किया आपको जिससे आप, जो आपको हेल्प कर सकती है किस तरीके से आप 5 स्टार तक या कुछ टॉपिक्स को आपको जो प्रिपेयर करना जो आपकी वीक्स हैं उसके लिए अच्छे रिसोर्सेज प्रोवाइड करने में. सो मैं वो PDF भी आपको शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में. साथ में आप हायरेक ऐप जरूर इंस्टॉल करें, बहुत हेल्प होगी यार. अगर आप एक बार रिज्यूमे अपना बना लेते हैं, आपको इंटर्नशिप चाहिए, कोई भी अपॉर्चुनिटी नहीं बचती अगर आपको अच्छा रिज्यूमे, अच्छी प्रोफाइल होती है एक हायरिंग प्लेटफॉर्म. फाइन, सो दिस वॉज फॉर टुडे. आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और ये हेल्पफुल होगी. एंड ऑल द बेस्ट फॉर यू. बहुत जल्द यार अगर तुम लोग प्रिपेयर कर रहे हो, अच्छे से प्रैक्टिस करते हो, कंसिस्टेंट रहते हो तो जरूर अच्छे रेटिंग को अचीव करोगे. थैंक यू. आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी. अगर आप भी जॉब और इंटर्नशिप की सर्च में हैं तो अभी डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक की हेल्प से हायरेक्ट ऐप इंस्टॉल करें और अपनी प्रोफाइल सेटअप करें. हायरेक्ट पर 120K से भी ज़्यादा कंपनीज हायर कर रही हैं. सीधा फाउंडर्स और HR मैनेजर से चैट करें और हायर हो जाएं, क्योंकि हायरेक्ट है तो डायरेक्ट है.